हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। और अभी तो 6:30 बज रहे हैं, पर हम ना 5:30 बजे उठ गए थे दोनों ही। तो ये तो अभी 6 बजे चले गए हैं और सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ है हमारा। अब कल ही तो आए यार, इतने जल्दी तो सेट हो नहीं सकता ना। एक बार तो मैं घर की हालत दिखाती हूँ अंदर की, फिर उसके बाद ना सही करते हैं, ठीक है? फिर बिफोर आफ्टर वाला होगा, ठीक है? तो ये इस कमरे में तो कुछ इस तरह से फैला हुआ है सामान। ये देखो, अभी छोलर वोलर भी अच्छे से सेट नहीं किया है। और ये रहा किचन, और अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को। ये देखो, और इतने सारे मैंने बर्तन भी धोने हैं ये खाए हुए रात के। और एक कमरा ये है, ये भी ऐसे ही फैला हुआ है पूरा। अभी हमने मतलब दो दो चार चार पर्दे ये लगाए हैं। एक ये है, ये तो ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, ठीक ही है। तो वो मुझे काम दिया है पतिदेव ने पूरा साफ़ करने का, और मैंने उससे पहले उनके कपड़े धो दिए क्योंकि उनको चाहिए, तो शाम को मैंने धो दिए हैं, डाल दिए सुखाने के लिए। तो मैं काम वाम करती हूँ और आपसे मिलते रहेंगे। मेरे फर्स्ट वाला रूम तो चमका दिया है, मतलब पूरा साफ़ कर दिया है। हम सबसे नीचे वाले में है ना, तो यहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। अभी यहाँ पे भी करना है, मैं दिखाती हूँ आपको हमने मंदिर कहाँ पे बनाया है करके। इधर पे ना ये अलग से इतना एक है, मतलब रूम तो नहीं है, खुला टाइप का है, तो मैंने सोचा इसी में मंदिर बनाते हैं क्योंकि अंदर तो फिर ऐसा ही हुआ ना। तो ये रहा हमारा छोटा सा मंदिर गाइस, जिसमें अभी मतलब कुछ भगवान की मूर्तियाँ वगैरह नहीं रखी हैं। और ये लिया था मैंने स्पेशली यहाँ के लिए, लिया था ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंदिर आया है, छोटा छोटा सा। और इसमें ना अभी मैं भगवान जी की मूर्ति रखूँगी, तो वो मैंने धो के रख दी है अभी। बाकी ये रहा हमारा छोटा सा मंदिर। और देखो किचन में भी मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, जितने भी यहाँ के थे घर से लेके आए थे सभी कुछ धो दिया है हमने। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 9, और अब जाके मेरा काम हुआ ख़त्म। यार उस टाइम से ना मैं सफाई करने में थी, आज पहला पहला दिन है ना, तो सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। तो अब मैंने सब सेट कर दिया अच्छे से, और हमारा अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है। मेरी फ्रेंड पूछ रही थी कि मैं बनाऊंगी करके नाश्ता, पर अभी ज़्यादा भूख भी नहीं थी हमें, नाश्ता ही तो हुआ ना, तो हल्का फुल्का। फिर इनने बोला कि मैगी बना लेंगे करके, तो मैगी बन के हमारी तैयार हो चुकी है, हम नाश्ता करते हैं। और मैं नहा के भी आ गई हूँ, अभी जस्ट नहाया ही मैंने, कहा फिर पहले ही नहा लूँगी तो फिर और पसीना हो जाएगा ना। तो हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी बज चुके हैं दिन के 12, और मैंने ना कपड़े वगैरह धो के डाल भी दिए हैं। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, और मैं खाने में बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि इनको अभी जल्दी जाना है। फिर मैंने कहा खिचड़ी बना देती हूँ। मेरी ना कढ़ाई थोड़ा ख़राब हो रही है, मतलब आप लोग बताना अगर वो जो पीला पीला लग जाता है ना जंग टाइम की, वो कैसे साफ़ होती करके आप लोग बताना, किसी को पता होगा। तो उस वजह से फिर मैंने ना दाल नहीं बनाई, तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और मेरा किचन का स्टैंड नहीं है, और यार लाइट नहीं आई, इतना खतरनाक गर्म हो रहा है ना, क्या बताऊँ। तो मैं जल्दी से खिचड़ी बनाती हूँ और फिर देखते हैं कैसी बनती है करके। गाइस ये रही मेरी खिचड़ी, देखने में तो ना बहुत अच्छी लग रही है, अब पता नहीं खाने में कैसी होती है। और ये रहा सलाद। हमारे पास बर्तन बहुत है, हम लाए नहीं, पर जो ज़रूरत का है हमने वही लिया है। अभी ऐसा मत सोचना कि डब्बे ढक्कन में सलाद काट। गाइस खाना तो हमने खा लिया है ना, पर यार लाइट ही नहीं आ रही है, पता है उस टाइम से इतना ख़तरनाक गर्म हो गया है ना, क्या बताऊँ। ये तो चले गए वापस से, और मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, शाम को ना फिर पार्क में जाऊँगी तो तभी मिलूँगी आप लोगों से। अब ऐसा ही रहेगा, अंदर ही अंदर ठहरी, देखते हैं क्या क्या ब्लॉग बन पाते हैं करके। तो अभी तो मैं फ़िलहाल सो जाती हूँ और फिर शाम को मिलते हैं आपसे। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं शाम के 6, और मैं ना तन्नू से मिलने के लिए जा रही हूँ। पहले तो हम लोग एक ही बिल्डिंग में थे साथ में, पर अभी हम मतलब दूर दूर है, तो मैं जा रही हूँ। जैसे चल रही हूँ ना यार, पहले की याद ताज़ा हो गई है, ऐसे ही हम घूमते थे। पर ना अब दीदी लोग कोई भी नहीं है, मेरे दोस्त लोग यहाँ पर, बस एक तन्नू बची है और यहाँ पर है एक दो, बाकी कोई भी नहीं है। तो उस चीज़ का थोड़ा बुरा लग रहा है कि अकेले अकेले होगी बाकी। तो चलो चलते हैं तन्नू के पास। मैं ना मतलब घर से तो कुछ लेके नहीं आई थी, फिर मैं पूला मुल्लम नाशपाती लेके आई थी, थोड़ा मैंने तन्नू को दिए,
बाकी मैं ना उनके लिए छोटी छोटी सी चॉकलेट लेके गई हूँ, यहाँ बड़ी भी नहीं आई है दुकान पे, तो ऐसे ही ले गई और मैं फ्रूटी पीते पीते जा रही हूँ। तो चलो मिलते हैं सन्नू के रूम पे। ये रहा गाइस सामने जामुन का पेड़, और इसी वाले बिल्डिंग में हम रहते थे, मैं रहती थी मतलब सबसे ऊपर वाले में रहती थी, तो तन्नू है सबसे नीचे वाले में। गाइस मैंने तन्नू को नहीं बताया कि मैं उससे मिलने के लिए आ रही हूँ घर, बैल बजा कर डरा कर, ठीक है। वैसे भी वो समझ गई होगी क्योंकि ना मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले भी मैं ऐसा ही करती थी, सबकी बैल बजाते बजाते जाती थी, सब पे पता चल जाता था कि मैं आ गई हूँ। तो गाइस मैं तन्नू के पास से तो आ गई थी ना, मैंने उनको इसलिए नहीं दिखाया, एक तो उनको ब्लॉग में आना अच्छा नहीं लगता, मतलब कम ही आते हैं वो, और फिर अंदर ना लाइट भी चली गई थी मतलब थोड़ी देर बाद, तो फिर मैंने नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, अभी तो यही हूँ, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और फिर मैं कमरे में आके, जैसे कमरे में आए ना तो मतलब लाइट थी नहीं वैसे भी, फिर थोड़ी देर तो मैं बाहर ही घूम रही थी, उसके बाद लाइट वाइट आई, तो फिर मैं सब्जी काटने में लगी थी। मैंने काट लिए कद्दू, और एक कद्दू इतना टाइट लेके आए हैं ना, ये कट ही नहीं रहा था, छिल्लर तो इसमें काम ही नहीं कर रहा है, फिर चाकू से ही काटा मैंने। तो अब मैं कद्दू की सब्जी बनाती हूँ और फिर रोटी बनाऊँगी, फिर आएँगे, फिर तभी मिलूँगी आपसे। मेरा खाना भी यहाँ पे बन चुका है, आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी और ये है मट्ठा। तो गाइज हमारा खाना भी हो चुका है और अभी मैं आई हूँ हमारे रूम के बाहर, ही बहुत बड़ा फील्ड है ना, तो मैं इधर पे आई हूँ, थोड़ा सा चल लेती हूँ, नहीं तो मोटी हो जाऊँगी, फिर मैं 60 किलो की तो हो जाने वाली हुई। तो गाइस मैं घूम के आ चुकी हूँ रूम पे, और आज का जो दिन था ना वो पूरा मतलब सामान वामान सेट करने में ही चला गया। तो ये ब्लॉग ना लेट भी आ सकता है क्योंकि हमें अभी बाकी और काम भी है, क्या पता है एडिटिंग करने के लिए मेरे पास टाइम ना हो या जो भी होगा, मतलब टाइम पे आ गया तो ठीक ही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप समझ जाना। तो यहाँ रहते पता नहीं मैं कितने ब्लॉग बना पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अंदर ही हुआ, मैं अकेली हुई, जो भी होगा मैं आप लोगों को शेयर करते रहूँगी, और आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखना। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।